अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं, नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। अहम अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ की जानिब से अहम बयान इस वक्त सामने आ रहा है, जिसमें यकीनी तौर पर उनकी जानिब से बहुत अहम गुफ्तगू की गई होगी। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था, वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं, नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है। 7 साल पहले हमने जिन मसाइल पर काबू पा लिया था, वो एक मरतबा फिर हमारे सामने चैलेंज बनकर खड़े हैं। बिल्कुल, नवाज शरीफ की जानिब से अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई लगाव नहीं है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसलह फौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। नवाज शरीफ की जानिब से यह बयान सामने आया है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसलह फौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। नवाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा गया कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसलह फौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।